किसी इंसान को एक कार 70 माइल्स पर आवर के स्पीड से टक्कर मारने से वो कैसे जिंदा रह सकता है, और पीजीएन के मल को किसी देश का संपत्ति घोषित कर दिया जाए तो, और स्क्रीन पे जो स्टैचूज देख रहे हो उनमें घोड़ों का पैर अलग अलग पोजीशन पे क्यों है, इसका क्या मतलब है? इस वीडियो में आप ऐसे ऐसे फैक्ट्स जानोगे कि आपका मुंह खुला रह जाएगा। वीडियो को देखना पूरा लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हेलो इंडिया, बिना वक्त गवाए शुरू किया जाए। नंबर 11, आपके घर में अगर पिजियन रहते हैं तो उनका जो मल है आप उसका क्या करते हैं? जाहिर है फेंक ही देते होंगे, पर इंग्लैंड में 18th सेंचुरी के टाइम किंग जॉर्ज ने इसे देश का संपत्ति घोषित कर दिए थे। तो आपके दिमाग में यह सवाल आता होगा कि ऐसा क्या जरूरत था उस चीज का? जी हाँ, जरूरत था। तब के टाइम पिजियन के मल से गन पाउडर बनाया जाता था और लोग उसे नष्ट ना करे इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। नंबर 10, जापान में 2015 तक एक अजीब सा लॉ था। वहां मिडनाइट के बाद डांस करना इलीगल था, और अगर कोई मिडनाइट के बाद नाचते हुए पाया जाता था तो उसे जेल जाना पड़ता था। ये लॉ 1948 से 2015 तक लागू हुआ था और उसके बाद इसे हटा दिया गया। अब की अगर बात करें तो अभी वहां के लोग किसी भी टाइम नाच सकते हैं। नंबर 9, 70 माइल्स पर आवर की स्पीड से अगर किसी इंसान को एक कार टक्कर मारे तो उस इंसान जिंदा रहना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। ये तो आम बात है, पर इस इंसान को देखिए, यह है मैथ्यू मैकनाइट। इन्हें एक कार 70 माइल्स पर आवर की स्पीड से टक्कर मारा था और इंपैक्ट इतना जोर का था कि उन्हें 118 फीट तक थ्रो कर दिया, पर इतना सब हो जाने के बाद भी उन्हें सीरियस इंजरी नहीं आया और वो बहुत जल्द ठीक भी हो गए। और अभी के टाइम वो हाईएस्ट डिस्टेंस थ्रोन बाय ए कार का ग्रीनीज रिकॉर्ड होल्डर है। दैट्स रियली माइंड ब्लोइंग। नंबर 8, बनाना जो होते हैं उसमें आप ये नोटिस करोगे कि उसमें सीड्स नहीं होते, पर यह कैसा मुमकिन है कि किसी फ्रूट में सीड्स नहीं है? तो आपको बता दूं, जो नेचुरल बनाना जो होते हैं उसमें सीड्स होते हैं। आप ये पिक देखो, इसमें बनाना का सीड्स दिख रहा है। अभी का जो बनाना है उसे ऐसा ब्रीड किया गया है कि वो सॉफ्ट और सीड फ्री बने और खाने में मजा आए। नंबर 7, वोट देने की जो कम से कम उम्र होती है वो 18 साल है, ये तो सबको पता ही है। पर बोस्निया, सर्बिया, मोनेटिनग्रो, ये तीनों ऐसे देश हैं जहां का जो मिनिमम वोटिंग एज है वो 16 साल है, पर उसमें एक कंडीशन है कि अगर तुम एम्प्लॉयड हो, मतलब रोजगार कर रहे हो, तभी जाके 16 साल में वोट दे सकते हो, वरना तुम्हें 18 साल तक इंतजार करना होगा। नंबर 6, क्या आपको पता है कि दुनिया में ट्रीज से पहले सार्स आ गए थे? जी हाँ, सार्स जो होते हैं ये 400 मिलियन साल से धरती पे रह रहे हैं और ट्रीज 350 मिलियन साल से धरती पे हैं। तो टेक्निकली सार्स पहले आए हैं, उसके बाद ट्रीज। नंबर 5, सांप जो होते हैं वो अपने मुंह से आग निकाल सकते हैं। ये सुन के आप हैरान मत हो जाना, क्योंकि ये तभी मुमकिन है जब कोई जीव को सांप निगल जाए और डाइजेस्ट होने के टाइम अगर उस जीव से मीथेन और हाइड्रोजन रिलीज हुआ, तभी जाके उनके मुंह से आग निकल सकता है, पर एक ह्यूमन के बॉडी से ये नहीं हो सकता। नंबर 4, सोवियत के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो ना अपने साथ शॉटगन्स लेके स्पेस में जाते हैं। वो इसे इसलिए नहीं लेते हैं कि उन्हें किसी एलियन का एनकाउंटर करना पड़े स्पेस में, बल्कि वो शॉटगन्स इसलिए ले जाते हैं ताकि अगर लौटने के टाइम वो साइबेरिया में लैंड किए तो वो भूखे भालुओं से खुद को बचा पाए, ना कि उनका खाना बन जाए। नंबर 3, जैकी चैन, इन्हें कौन नहीं जानता, पर आप ये जान के चौंक जाओगे कि वो 1980s में जितने भी मूवीज किए थे वो सारे मूवीज का थीम सॉन्ग वो खुद ही गाए थे।
वो अपने मूवीज में स्टंट्स तो खुद करते ही हैं, अब गाना भी वो खुद ही गा लिए। शायद ही आपको उनके ये टैलेंट के बारे में पता हो, 1984 में जापानी बेस्ट फॉरेन सिंगर अवार्ड उन्हीं को ही मिला था। नंबर टू, एक इंसान जब पैदा होता है वो ना सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट को ही देख सकता है। बेबीज अपने जन्म का पहला महीने में सिर्फ ब्लैक और व्हाइट को ही देख पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका जो रेटिनल नर्व सेल है वो पूरा तरीके से रेडी नहीं होता है, और इसलिए वो सारे कलर्स और विजुअल्स को प्रोसेस नहीं कर पाता है, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट को ही देख पाता है। नंबर वन, अक्सर आप ऐसे स्टैचूज को देखे होंगे जिसमें घोड़े का पैर अलग अलग पोजिशन पे रहता है, पर आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि ये क्यों होता है? सारे स्टैचूज में घोड़ा नॉर्मली खड़ा क्यों नहीं रहता है? तो आपको बता दूं, उन सारे पोजीशन का अलग अलग मतलब होता है। अगर घोड़े का आगे का दोनों ही पैर हवा में है, इसका मतलब उस पे बैठा हुआ आदमी युद्ध में ही मर गया है, और अगर घोड़े का सिर्फ एक ही पैर हवा में है, इसका मतलब उस पे बैठा हुआ आदमी युद्ध में घायल हुआ था और बाद में ट्रीटमेंट के टाइम मर गया है। और लास्ट वन, अगर घोड़े का आगे का दोनों ही पैर जमीन पे ही है, इसका मतलब उस पे बैठा इंसान का नेचुरली डेथ हुआ है, युद्ध में नहीं मरा है वो। तो इस वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना, और कमेंट करके मुझे ये जरूर बताएं कि इनमें से आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, धन्यवाद।